नमस्कार, आपका स्वागत है रेसिपी विथ गीता में। आज मैं बनाने वाली हूँ कारा चटनी, जो बहुत टेस्टी होता है। ये साउथ इंडियन है तो होममेड बनाएंगे हम। इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन जाए आपके पास सबसे पहले। लाइक करें, शेयर करें। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, इस तरीके के आती है इमली। इसको हम गर्म पानी में भिगो के रख देंगे। इसे अच्छी तरह पहले पानी से वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। देखिए, हमने वॉश कर लिया है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। इसमें हम थोड़ी गर्म पानी डाल देंगे और इसे 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये पूरा इसमें घुल जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब हम एक कटोरी लेंगे और इसमें एक चम्मच चना दाल लेंगे। ये देखिए, एक चम्मच चना दाल लेंगे और एक चम्मच लेंगे उड़द दाल। ये मेरी छिलका वाला है, आप बिना छिलका वाला लीजिएगा। अब इसे हम थोड़ी सी वॉश कर लेंगे, क्योंकि ये बाजार वाले है ना, इसमें पाउडर मिली हुई होती है। देखिए, मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एक चम्मच अलग से रखा है, इसे भी हमने वॉश कर लिया है, धो लिया है। ये हम कारा चटनी बनाने वाले हैं और इसमें हम लेंगे आधा प्याज, जिसे हमने ऐसे कट कर लिया है, काट लेंगे, और लहसुन और 3 मिर्ची। आप जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं चटनी, उस हिसाब से अपना मिर्ची लीजिए। मैं 3 ली हूँ सूखी मिर्ची। अब कढ़ाई में थोड़ी तेल डालेंगे, 1 टीस्पून। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो एक चम्मच हमने लिया था दाल, और एक उड़द की दाल और एक चने की दाल, एक एक चम्मच जो ली है इसमें हम डालेंगे। देखिए, ये जो लिया था हमने डालेंगे, इसे फ्राई करेंगे, इसे हल्का फ्राई करेंगे। देखिए, हल्का ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन जो रखे थे, डाल देंगे, और ये डाले सारा चीज डाल देंगे जो रखे हुए थे हमने, और इसे हम फ्राई करेंगे। इसमें आप एक टमाटर ले लीजिएगा, मेरे पास नहीं है टमाटर, इसलिए मैं नहीं ऐड की हूँ। आप जरूर इसमें एक टमाटर ऐड करिएगा। अब धीमी आंच कर देंगे पूरे एकदम, और उससे हम थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे। साउथ इंडियन के जो चटनी होते हैं, उसमें प्याज डलाता है, उसमें डला होता है प्याज, इसलिए हम प्याज डाल रहे हैं। अब इसे हल्की से छींटे मार देंगे पानी से इतना, और इसे थोड़ी पकने देंगे। देखिए, हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने जो भुना था वो कटोरी में निकाल ली है, और जो ये हमने इमली जो रखा था, इसे हम हाथों से इसे थोड़ा इस तरह से मसल देंगे। अब हम एक जार लेंगे और इसमें हम ये जो भुने हैं इसको डाल देंगे, और इसे हम इसमें 2 चम्मच इमली का वो जो पानी है इसमें डाल देंगे, और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार अपना, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। इसमें थोड़ी सी पानी को ऐड करेंगे, ताकि ये आसानी से पीस जाए, 2 या 3 चम्मच। अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए, हमने पीस ली है। अब इसे हम कटोरी में निकाल लेंगे, फिर इसे हम तड़का लगाएंगे। ये गैस पे छलनी रख देंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच उड़द दाल डालेंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ता डालेंगे, और ये 1 मिर्ची ली है मैंने, इसे तोड़ ली है, और ये 1/2 चम्मच राई डालेंगे, और इसमें थोड़ी सी तेल डाल देंगे। तड़का लगाएंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें
डाल देंगे तड़का। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे, चम्मच से मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगेगा ये आपको चटनी, एक बार जरूर आप ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा। जो हमने सामग्री इसमें भुने हैं उसी के साथ उसी में आप टमाटर को भून लीजिएगा और उसके बाद मिक्सी में पीस लीजिएगा सबको एक साथ। We'll be right back.